तो गाइस, जैसे आपके पास रात की रोटी बच जाती है तो आपने क्या करना है, पहले उसका छोटा छोटा ये रोटी का चूरमा कर लेना, जैसे ये टुकड़े बने हुए ना, इस तरह से करने के बाद फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा तेल ले लेना है। तेल में इलायची ऐड कर देनी है, ठीक है। और जैसे ये गर्म होगा फिर आपने इसमें वो अपना रोटियों का चूरमा डाल देना है। ये देखें जी, रोटियों का चूरमा डाल दिया हम लोगों ने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और ये खाने में इतना लजीज है ना, आप सोच नहीं सकते। तो देखें, अब इसमें हल्की सी चीनी भी ऐड होगी, बहुत मीठा और अच्छा ज़बरदस्त बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ये चूरमा जो है ना, ये तैयार हो जाएगा। कभी भी आपकी रोटी बच जाती है रात की तो उसको आप फीका नहीं करें, इस तरह से आप उसका चूरमा बना के खा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और लजीज और खुशबूदार बनेगा ये, अगर आप अपने घर पे बनाएंगे और खाएंगे, और जायका आप देखिएगा कितना अच्छा आता है। ये देखें, थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे, जब ये अच्छी तरह से ये लाल हो जाएगा फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देखें जी, आपके सामने चल रहा है। कभी भी रोटी बच जाए उसको फेंका नहीं करें, इस तरह से आपके काम में आ जाएगी। वाह माशाल्लाह, खुशबू तो अभी से आ रही है। और आपने बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है, आंच ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि रोटी जो है ना वो कड़क हो जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है आपने, नॉर्मल आंच पे। तो गाइस, इसमें हम थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। ये देखें जी, हल्का हल्का ब्राउन हो गया। ये 2 रोटी के अंदर हम लोगों ने 3 चम्मच चीनी ऐड की है। देखें जी, ये इसमें मिक्स हो जाएगी, थोड़ा सा ब्राउन करके फिर आपने चीनी ऐड करनी है। अब ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा खा के कि ये कैसी बनी है। देखें जी, रोटी का चूरमा कितना अच्छा बनेगा। आप इससे छोटे टुकड़े भी कर सकते थे लेकिन हमने छोटे किए नहीं, बहुत टाइम लग जाता, सुबह मुझे जाना था इस वजह से। लेकिन ये व्लॉग मेरे जहन में आया, मैंने कहा मैं बना दूँ। लेकिन आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा ताकि आपकी रोटी जो है वो ज़ाया ना हो। बस एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि रोटी जो अपना जो है ना, आँच जो है ना, हल्की आँच पर आपने बनानी है, आँच तेज़ नहीं कर सकते आप। अगर तेज़ करेंगे तो रोटी कड़क हो जाएगी, कड़क हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर वो चूरमा खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा आपको। अगर आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, हमने सिर्फ इलायची ऐड की है। और ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, बिल्कुल हलवे की तरह। अब ये ब्राउन हो रही है और चीनी जैसे जैसे पिघलेगी तो ये और रोटी नरम हो जाएगी। देखें, ये चूरमा इतना खूबसूरत बन जाएगा, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। देखें, चीनी थोड़ी सी हमारी मोटी है क्योंकि हम लोग लाए थे ये चेज़ब से, चेज़ब की चीनी थोड़ी थोड़ी मोटी होती है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्की आंच रखी हुई है ताकि रोटी कड़क ना हो जाए। देखें जी, अगर आपको लगे कि जल्दी काम नहीं हो रहा तो आप हल्का सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसलिए ऐड किया कि मुझे देर हो रही थी, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। देखें जी, चीनी कितनी जल्दी पिघल गई और पिघलने के बाद बिल्कुल नरम हो गई है, और हल्की हल्की सख्त होनी चाहिए, इसमें खाने में भी मज़ा आता है। बस अब बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। अगर अच्छा लगा तो मैं आपको मशवरा दूँगा, आप ज़रूर बनाएं। लेकिन हमने 1-2 दफ़ा बनाई है, बहुत खूबसूरत बनी है ये, खूबसूरत के साथ साथ बहुत मज़े की बनी है। खूबसूरत तो कहना चाहिए ना, क्योंकि खूबसूरत लग रही थी ये बनी हुई, और मज़े की तो लगी है हमें ये। देखें जी, फाइनल लुक बन गई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने इसको दम देने के लिए रख दिया। वैसे तो रखते नहीं है लेकिन हमने कहा कि थोड़ी सी और नरम हो जाएगी ना, वैसे तो नरम थी ये। देखें जी, इसको पैक करके हमने रख दिया है बिल्कुल हल्की आंच पे, और 1 सेकंड, 5 कम से कम भी 10 सेकंड के बाद इसको उतार लेंगे। तो जी दोस्तों, मेरा तो ये चूरमा रेडी हो चुका है, आप भी इस तरह का बना सकते हैं। अगर आपके पास बची हुई रोटी हो तो उसको प्लीज़ ज़ाया मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।